पहले नंबर पे डिस्कस करना है और उस टॉपिक का नाम क्या है, दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। एक तो ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज मेंट बाय कंजर्वेशन ऑफ नेचर और ये क्यों जरूरी है। अब कंजर्वेशन ऑफ नेचर मींस द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। और अब होता क्या है कि हम बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए एज अ रॉ मटेरियल के तौर पर हम डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और हमारी डेली लाइफ में इनका जो यूज है वो एक्सटेंसिवली बढ़ चुका हुआ है। अब यूज बढ़ने की वजह से इसका क्या कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं वो डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। अब उनको हमने बचाना है। और जो जो क्या कह सकते हैं कि अगर हम बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल एवरीथिंग दैट वी यूज आर कंज्यूम, फॉर एग्जांपल फूड, पेट्रोल एक्स्ट्रा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेज। ये प्रोडक्ट्स हैं जो हम क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एज अ रॉ मटेरियल यूज करके बनाया जाता है। अब इन नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली टू मेजर कैटेगरीज के अंदर क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, ये वो हैं जो दोबारा इजीली रिप्रोड्यूस हो सकते हैं। मीन ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हमने एक दफा यूज कर लिया, उसके फौरन बाद हम इसको दोबारा रिप्रोड्यूस करवा सकते हैं, या हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको दोबारा रिसाइकल कर सकते हैं या रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इन्हें हम क्या नाम लेते हैं, दे आर नोन एज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एयर है, दोबारा प्रोड्यूस की जा सकती है। जैसे एयर में से हम कार्बन ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो फॉरन प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के थ्रू ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एयर में ऑक्सीजन क्या होती जा रही है, रिसाइकल होती रहती है, फॉरन प्रोड्यूस हो जाती है। इस तरह से वाटर है, वाटर साइकिल के थ्रू दोबारा रिप्रोड्यूस हो रहा है। दूसरी जो टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज की, उन्हें क्या नाम दिया जाता है, दे आर नोन एज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, ये बेसिकली क्या हैं, जो एक दफा इनको यूज कर लिया जाए दोबारा ये इजी प्रोड्यूस नहीं होते। मीन दीज आर द रिसोर्सेज विच आर नॉट रिबैलेंस्ड वंस दे गेट डेप्लीटेड। क्या मतलब है, एक दफा अगर ये खत्म हो गया तो दोबारा फौरन या जल्दी ये प्रोड्यूस नहीं होंगे। अगर प्रोड्यूस होंगे तो दे रिक्वायर द मिलियन ईयर्स टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ। जैसे मिनरल्स है, एक दफा यूज कर लिया गया तो दोबारा इनको रिप्रोड्यूस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस दूसरी जो मेजर एग्जाम्पल आ जाती है वो क्या आ जाती है, फॉसिल फ्यूल्स। हमने दोनों रिसोर्सेज को बचाना है, चाहे वो रिन्यूएबल हो या नॉन रिन्यूएबल हो, लेकिन हमारा जो मेजर फोकस होगा बचाने के लिए वो कौन से होंगे, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का होगा, क्योंकि इनको दोबारा रिप्रोड्यूस करना आसान काम नहीं है। अब किस तरह से बचाया जाए इन नेचुरल रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए एक साइकिल सजेस्ट किया जाता है, उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट्स नोन एज 3R साइकिल। अब 3R साइकिल क्या है, टू इंश्योर द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज इन आवर एनवायरनमेंट वी शुड एक्ट अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ 3Rs। अब 3Rs क्या है, बेसिकली तीन चीजें हैं जो R से स्टार्ट होती हैं, और दोनों को हम तीनों को कलेक्टिव क्या नाम दिया जाता है, 3Rs कहा जाता है। उसमें से पहला जो है R1, उसे उसका मतलब क्या होता है, रिड्यूस, मीन हमने अपनी कंजप्शन कम करनी है। दूसरा जो है रीयूज, मीन रॉ मटेरियल है या नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको हमने अगेन एंड अगेन यूज करना है। और जो तीसरा है उसे क्या नाम दिया जाता है, दैट इज नोन एज रीसाइकल। तो ये जो तीनों चीजें हैं, रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकल, तीनों आर से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इन्हें क्या नाम देते हैं, दे आर नोन एज 3Rs। इसमें से पहला जो है R1, R1 का मतलब होता है रिड्यूस करना, जैसे नेम से रिप्रेजेंट हो रहा है कि वी शुड यूज द नेचुरल रिसोर्सेज लेस एंड शुड नॉट वेस्ट देम। मीन जितनी हम कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज करना चाहिए, एक्सेसिव यूज नहीं करना चाहिए या उन्हें वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब जैसे फॉर एग्जांपल वी शुड यूज दिस प्रिंसिपल एट डिफरेंट प्लेसेस इन आवर डेली लाइफ, हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में। बहुत सारे काम ऐसे हैं जहां पे बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज को हम बेजहा या बेतहाशा क्या कर रहे होते हैं, वेस्ट कर रहे होते हैं, उससे उनको हम क्या करना है, बचाना है। Just for example, we should not waste water and electricity fuel extra. जैसे water की सबसे पहले number पे हम example ले लेते हैं। अगर हम घर में अगर हम बात कर लेते हैं, घर में daily basis पे हम use कर रहे हैं, नहाने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, shower use कर लेते हैं। और shower से क्या होता है, जितनी देर नहा रहे हैं, shower use कर रहे हैं, water क्या होता रहता है,
वेस्ट होता रहता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं शॉर्ट नीचे जाके गाना गाना शुरू कर देते हैं, मस्त हो जाते हैं, अब कोई नहीं पता कि शॉर्ट चल रहा है, पानी सारा क्या हो रहा होता है, वेस्ट हो रहा होता है। इसकी बजाय अगर हम बकेट्स यूज कर लें तो जो वाटर वेस्ट हो रहा है वो क्या है, वो उसको क्या है, उसे बचाया जा सकता है। इसी तरह से गाड़ी या कोई बाइक वॉश करने लगे, पाइप के थ्रू वॉश करते हैं, तो जितनी देर उसकी वॉशिंग कर रहे हैं, पाइप के पानी लगाया, पानी लगाने के बाद अक्सर लोग उसे बंद ही नहीं करते, वो चलता रहता है, वेस्ट होता रहता है। उसके ऊपर वो क्या करते हैं कि साबुन लगा रहे हैं या सर्फ लगा रहे हैं पाइप को या गाड़ी को धोने के लिए, तो पानी वेस्ट होता रहता है दूसरी साइड से। अब इसकी बजाय अगर हम बकेट यूज कर लें तो वेस्टेज ऑफ वाटर से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात कर लें, इसका भी हम बेदाजा जो है ना वो बेजा इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई सिस्टम ऑन किया है, कंप्यूटर ऑन किया है, जब यूज करें तभी ऑन है, नहीं यूज करें तभी ऑन है। इसी तरह से जो इलेक्ट्रिक फैंस हैं, ऑन है तो कमरे में बैठे हैं या नहीं बैठे वो चल रहा होता है, एसी है बैठे हैं या नहीं बैठे वो चल रहा होता है। हमारी मेंटेलिटी यही होती है कि हम वापस आए तो वो कूल होना चाहिए, लेकिन हम उसे यूज ही नहीं कर रहे, फिर उस वक्त ये सारी चीजें स्विच ऑफ होनी चाहिए। फ्यूल की अगर हम बात कर लेते हैं, एक घर में से अगर चार लोग जा रहे हैं, पांच लोग जा रहे हैं, दो लोग जा रहे हैं, उनके एक विश होती है कि हम जी अपनी अपनी अलग अलग गाड़ी पे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी या ऑफिस में जाएं। अब क्या है कि फॉरेन में जैसे कंट्रीज में ट्रेंड है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा तरजीह देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं एज कम्पेयर टू द अपनी जो ऑन व्हीकल है। अब इससे क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, एक पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट में बस की एग्जाम्पल लें, एट अ टाइम 50 लोगों को लेके जा सकती है, तो एट अ टाइम 50 या 49 जो गाड़ियां हैं उनका फ्यूल क्या किया जा सकता है, बचाया जा सकता है एक बस के थ्रू। इस तरह से फ्यूल की कंजप्शन को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो पहला जो प्रिंसिपल है इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस। जैसे यहाँ पे उन्होंने बताई हुई है यही एग्जांपल्स, वी शुड टर्न ऑफ द टैप व्हेन नॉट यूजिंग इट, वी शुड बाथ विद द बकेट इंस्टेड ऑफ शावर, ताकि वाटर की कंजप्शन को क्या किया जा सके, बचाया जा सके। इस सीजन से द लाइट्स एंड फैंस शुड बी ऑफ व्हेन वी आर नॉट इन द रूम, इन सीजन हम इनकी कंजप्शन को क्या करें, कम करें। वी शुड टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेस और वॉक शॉर्ट डिस्टेंसेस इंस्टेड ऑफ यूजिंग द मोटर फ्यूल, इस तरह से फ्यूल की कंजप्शन को भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इस सीजन से वी शुड नॉट वेस्ट फूड एंड शुड गिव अनयूज्ड फूड टू आवर द पुअर पीपल, ये आजकल हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा अलमिया कि हम जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसको बहुत ज्यादा वेस्ट करते हैं। अभी आप लोग अपने घर में बहुत सारे, मैं सारों को नहीं ब्लेम कर रहा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जाकर फ्रिज देखें, अभी भी आप लोगों के घर में रात का खाना पड़ा होगा या परसों का कल का खाना पड़ा होगा या सुबह को नाश्ता किया तो वो बचा हुआ होगा, अल्टीमेटली वो फ्रिज में पड़ा रहेगा। हमारे नखरे फिर आसमानों पर होते हैं, हम कहते हैं हमने तो वो यूज करना ही नहीं है, तो अल्टीमेटली वो फ्रिज से फिर कूड़े में चला जाता है। इससे बेहतर है कि वो वेस्ट ना हो, बल्कि जो क्या कह सकते हैं कि फूड बच गई थी, किसी अपने सराउंडिंग में सोसाइटी में बहुत सारे लोग होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, उनको दे दी जाए, वेस्ट करने के बजाय उसे क्या कर लिया जाए, यूज कर लिया जाए। तो इस तरह से मीन पहला जो प्रिंसिपल है जिसे हम R1 कहते हैं, कि मीन हमने क्या करना है, जो मटीरियल्स हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं स्पेशली, उनको क्या करना है, अगेन एंड अगेन उसकी कंजप्शन को रिड्यूस कर देना। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल है दैट इज R2। R2 का मतलब क्या होता है, रीयूज करना, मीन हमारे पास कुछ नेचुरल सोर्सेज से या रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं, उनको हम दोबारा बार बार अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। वी शुड यूज थिंग्स अगेन एंड वी शुड नॉट थ्रो अवे मटेरियल सच एज ग्लास कंटेनर्स, प्लास्टिक बैग्स, पेपर क्लॉथ्स, दे शुड बी रीयूज एट डोमेस्टिक लेवल रादर देन बीइंग थ्रोन। इट रिड्यूस द सॉलिड वेस्ट पॉल्यूशन, एक तो पॉल्यूशन से बचा जा सकता है सॉलिड वेस्ट की, और दूसरा इसका फायदा ये होगा कि नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, जो रॉ मटेरियल का काम कर रहे होते हैं, उनकी कंजप्शन से क्या किया जा सकता है, बचा जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक हम फेमस एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देता होता हूँ, गर्मियों में हम क्या करते हैं, कोक लेके आते हैं, बोटल जो है प्लास्टिक 1.5 लीटर की लिया या 2.25 लीटर की बोटल है, हम क्या करते हैं बोटल पी और बोटल को फेंक दिया, लेकिन उसी बोतल को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, पानी भरे फ्रिज में रख दें। हालांकि फ्रिज में पानी हमने ठंडा करना है तो मार्केट से जाके दूसरी प्लास्टिक की बोतल ले आएंगे, लेकिन वो यूज नहीं करेंगे, हम उसको दोबारा क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसी तरह से प्लास्टिक बैग्स हैं, इनका भी अगेन एंड अगेन क्या है, यूज किया जा सकता है। इसी तरह से पेपर है, इसका भी अगेन एंड अगेन यूज है। क्लॉथ है, इसका भी हम क्या करते हैं, कपड़े पुराने हो जाते हैं फेंक देते हैं,
अब वो वेस्ट हो गए, लेकिन उन्हीं को अगर हम क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स घर में आम चीजें होती हैं, बहुत सारे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो क्या कह जा सकते हैं यूज के जैसे, जैसे वो कपड़े थे उसका स्मॉल पीसेस में तोड़े काटे सॉरी काटने कट करने के बाद उसे आप लोग पिल्लू की फिलिंग में यूज किए जा सकते हैं, जैसे कुछ पिल्लूज हैं उसमें हम क्या यूज कर रहे होते हैं कॉटन यूज कर रहे होते हैं, तो उसकी जगह वो भी यूज किया जा सकता है। फिर इस तरह से क्लॉथ जो पुराने हो गए उसको आप लोग काट के स्टिच करके एक बैग्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आजकल गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स के ऊपर पाबंदी लगा दी है, पॉलीथीन बैग्स के ऊपर, उसकी जगह हम वो क्लॉथ के बैग बना सकते हैं। तो मैं इनकी रीयूज कर रहे हैं, इन मटेरियल्स को बार बार कर रहे हैं। इसके दो फायदे होंगे, एक तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि रॉ मटेरियल की कंजप्शन कम हो जाएगी, और दूसरा जो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन फॉर एल्डरली है उस पोल्यूशन से भी क्या किया जा सकता है बचा जा सकता है। फिर इसके बाद एक तीसरा बेटे होता है दैट इज R3। R3 का मतलब होता है रिसाइकल, मीन रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट्स बने, प्रोडक्ट को यूज कर लिया, प्रोडक्ट उस इस्तेमाल के काबिल नहीं रहा, उस प्रोडक्ट को दोबारा के इस तरह से रीशेप दे देना कि दोबारा वो यूज फॉर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए, इसे हम क्या कहते हैं R3 या रिसाइकल कहा जाता है। मटीरियल सच एज पेपर्स प्लास्टिक ग्लासेस एक्स्ट्रा कैन बी रिसाइकल, मीन पेपर को भी रिसाइकल किया जा सकता है, प्लास्टिक को भी किया जा सकता है, ग्लास को भी किया जा सकता है। जैसे प्लास्टिक की चेयर है, अब ये क्या टूट गई, हम क्या करते हैं उठा के बैग फेंक दें, अब वहां पे पड़ी 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 जो है वही पे होगी ना, ये डिकम्पोज होगी ना कुछ, वो बल्कि पॉल्यूशन एक रीजन बनती रहेगी। अब इसी प्लास्टिक को इंडस्ट्री ले जाती है, वहां पे जाके इसे मेल्ट करके दोबारा रीशेप देकर कोई और चीज बना सकते, इसी प्लास्टिक के वो आगे जाके क्या कह सकते हैं कि वो अगेन से चेयर बना सकते हैं, वो अगेन किसी और प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको रीयूज किया जा सकता है। इस तरह ग्लास है, टूटता है कोई भी चीज है, ग्लास की बनी हम फेंक देते हैं, अगर वही चीज इंडस्ट्री तक पहुंच जाए, वो इंडस्ट्री इसे रिसाइकल करके दोबारा रीशेप देकर एक नया प्रोडक्ट बना देगी। इससे क्या होगा, प्लास्टिक बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए या पेपर बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिएगा कंजप्शन कम हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल पेपर के बारे में आप लोगों ने साइड बॉक्स में बताया हुआ है कि अगर हम 1 टन पेपर को रिसाइकल कर लेते हैं तो 17 ट्रीज को क्या किया जा सकता है बचाया जा सकता है, क्योंकि पेपर ट्रीज से बनते हैं, ट्रीज के प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो 1 टन पेपर को रिसाइकल करने से 17 ट्रीज को क्या किया जा सकता है बचाया जा सकता है। सो इन दिस वे रिसाइकलिंग की वजह से फायदा क्या होगा कि दिस डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ रीयूज, उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या कर देगा कम कर देगा, क्योंकि हमने इसको रीयूज नहीं करना बल्कि रीसाइकल की तरफ लेके जाना है, एक नया प्रोडक्ट्स बन के लिए आएगा। इन दिस वे इट आल्सो हेल्प्स द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि नेचुरल रिसोर्स की कंजप्शन क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये बेटे क्या था मीन एक टॉपिक जिसे क्या नाम दिया गया कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ, एक मेरा इरादा था टॉपिक आगे एक और पढ़ाने का, लेकिन फ्राइडे है, अभी मुझे पता चला है हाफ एन आवर का वो क्या कहते हैं लेक्चर है ऑलरेडी, तो वो कंप्लीट नहीं होगा, इससे बेहतर है कि हम इसके क्वेश्चन सबसे पहले जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस टॉपिक के। इस चैप्टर का ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड एक्सप्लेन द मेजर प्रिंसिपल फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और ये भी पूछा जा सकता है राइट यू नो ऑन द 3R साइकिल, और व्हाट डू यू नो अबाउट द 3R साइकिल। अब सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन में हमने मीन ये जो आप लोगों के पेज पे मेरे यहाँ पेज नंबर तो मुझे अब याद नहीं है कौन सा है आप लोगों की बुक पे, लेकिन वहां पे आप लोग में जाएं तो सेकंड लास्ट जो पेज है चैप्टर का जहाँ पे चैप्टर एंड हो रहा है, तो वहां पे ये टॉपिक दिया गया है दैट इज द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, मेजर हेडिंग आ जाएगी, फिर उसके बाद हमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, फिर उसके बाद रिसोर्सेज की टाइप्स हैं वो बताएंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज डेफिनेशन एग्जांपल्स हैं, मिनिमम 2 एग्जांपल्स हमने दोनों की देनी है, तो एग्जांपल्स हमने पॉइंट्स में बता देंगे। इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उसकी हेडिंग आ जाएगी, एग्जांपल आ जाएंगे, फिर उसके बाद 3R साइकिल, उससे पहले उसका इंट्रोडक्शन है, फिर 3R साइकिल जो है 3 R's पर कंसिस्ट होता है, उसको हमने पॉइंट्स बना के लिख देंगे, फिर R1 उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और डेली लाइफ के हमारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, और क्योंकि वो डिफरेंट एग्जाम्पल थी तो इसलिए उसके मैंने पॉइंट्स बना दी हैं। इसके बाद आप लोग दूसरा R2 है वो क्या आ जाएगा, रीयूज आ जाएगा, डेफिनेशन आ जाएगी, एग्जाम्पल, इसी तरह से R3 रीसाइकल है, तो उसमें वो क्या कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट एग्जाम्पल दी थी उसके लिए मैंने उसे पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है।
तो ये आप लोगों का पूरा एक एक दफा फिर मैं रिशो करवा देता हूँ, इसे पूरा लॉन्ग क्वेश्चन है, मीन कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड अर्थ के जो 3 R प्रिंसिपल है वो आ गए। एक ये हो गया जी, आगे आ जाते हैं हम फिर MCQs की तरफ। अब बेटे इस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास है MCQs हैं उसमें अगर हम देखें पहला है सेकंड वाला एमसीक्यू देखें, ये आप लोगों से पूछा जाएगा रीसाइक्लिंग ऑफ 1 टन पेपर कैन सेव, ये आप लोगों के साइड बॉक्स में है, तो ये कितने ट्रीज बचाए जा सकते हैं, 17 ट्रीज बचाए जा सकते हैं। फिर है R2 means, मीन जो 6 एमसीक्यू है ये पूछा गया है R2 means, R2 means का क्या मतलब होता है रीयूज करना, ठीक है। पहला क्या था ये अगर हम देखें पहला क्या था रिड्यूस, दूसरा क्या था रीयूज और तीसरा क्या था रीसाइकल, तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं है सिर्फ R1 आए, R2 आए, R1 भी पूछा जा सकता है, R2 भी पूछा जा सकता है और R3 भी पूछा जा सकता है। एक इंपॉर्टेंट MCQ है द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बेटे कौन से आ जाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स, ये MCQ इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में ये अक्सर पूछा जाता है। आगे क्या कह सकते हैं कि जो यहाँ पे फिलहाल आज जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है उसमें जो हमारे पास जो इंक्लूडेड है MCQs, एक रीसाइक्लिंग है ये वाला, सेकंड वाला, ठीक है जी, एक बेटे R2 वाला है और एक 7 वाला MCQ है, फिलहाल ये 3 है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि MCQ जो है वो जरूरी नहीं है कि सिर्फ R2 का पूछा जाए, R1 का भी पूछा जा सकता है, R2 का भी पूछा जा सकता है, R3 का भी क्या है वो पूछा जा सकता है। ये बेटे मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ, एक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ क्वेश्चन फिर मैं आप लोगों को आंसर देता हूँ। फिर बेटे आ जाए शॉर्ट क्वेश्चंस में, अब पहला है कंफ्यूजन शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's, अब एक होता है 3 R's एक होता है R3, बच्चे दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं, 3 R's जब भी आएगा 3 R's का मतलब क्या होता है तीनों R's, एक होता है R3, R3 जब भी आएगा इसका मतलब क्या होगा रिसाइकल, कंफ्यूज नहीं होना, 3 R's आ जाए तो तीनों R's बताने और R3 आ जाए तो सिर्फ उसमें हमने रिसाइकल बताने। तो पहला MCQ शॉर्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट डू यू मीन बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ 3 R's विद रेफरेंस टू कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो हम बताएंगे R1 मीन रिड्यूस है, R2 मीन रीयूज है और R3 का मतलब क्या होता है रिसाइकल। फिर सेकेंड वाला MCQ देखें, ये आप लोगों से पूछा जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो एक डेफिनेशन आ जाएगी एग्जांपल और डिफरेंसेस भी उसी तरह से आएंगे जैसे मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम शो किए हैं कि डिफरेंसेस आप लोगों ने किस तरह से लिखने, सेंटर में हेडिंग दे के डेफिनेशन और एग्जाम्पल्स के साथ। फिर उसके बाद फोर्थ जो है शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखिए, व्हाट इज R1 प्रिंसिपल, R1 क्या है हम बताएंगे, रिड्यूस है, डेफिनेशन बता देंगे, एग्जांपल, इसी तरह से R2 प्रिंसिपल क्या है उसमें बता देंगे, R2 प्रिंसिपल क्या होता है रीयूज, डेफिनेशन आ जाएगी और इसके एग्जांपल, इसी तरह से R3 प्रिंसिपल आ गया, ये दोबारा वही चीज आ गई, एक होता है 3 R's उसका मतलब हमने तीनों बताने हैं और एक होता है R3 इसका मतलब हमने रिसाइक्लिंग बताने। एक आप लोगों के बढ़ना बुक में साइड बॉक्स में दिया होगा, बल्कि नीचे दिया होगा जहां पे R3 प्रिंसिपल खत्म हो रहा है, R4 एक होता है, R4 का मतलब क्या होता है रीफॉरेस्ट, इसका मतलब क्या है कि अगर जो प्लांट्स हैं किसी वजह से कट किए गए हैं खत्म हो गए हैं तो इसका जो सीजन आता है उस वक्त कोशिश करें कि प्लांट्स को दोबारा लगाए जाए, इससे क्या होगा कि जो प्लांट्स काटे गए समहाउ उनकी डेफिशिएंसी को क्या किया जा सकता है पूरा किया जा सकता है।